हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक इतना ज़्यादा सीरियस है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में 100% या तो आएगी या तो आने वाली होगी या आ चुकी होगी। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉपिक क्या है, मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि मुझे ये वाला काम करना है। जैसे कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्रिकेटर बनना है, सिंगर बन रहा है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं या करते हैं कि ये काम में कुछ नहीं रखा, तो फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगी, इस काम में पैसा नहीं है, इस काम में कोई तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी गट फीलिंग बोल रही है अंदर से कि हाँ, मेरे को ये काम करना है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इस काम में सक्सेसफुल हो सकता हूँ और मुझे इसी काम में जाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे आपके आसपास के लोग भी आपको डिस्करेज कर रहे हैं, वो आप पे हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तो फेल हो जाएगा, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप उनकी बात सुन लोगे तो आप ये वाला काम छोड़ के ये वाला काम करोगे जो आप करना चाहते भी नहीं हो, और वहाँ पे आप ऑब्वियसली ज़्यादा खुश नहीं रहोगे। जैसे मैं आपको अगर अपनी लाइफ का एग्जांपल दूँ, तो जब मैंने YouTube चैनल पे वीडियो बनानी शुरू करी थी तो मेरे आसपास के लोगों ने कुछ कहा था, कुछ आसपास के लोगों ने ये कहा था मेरे को कि YouTube वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। अगर मैं उनकी बात से डिस्करेज हो जाता और वीडियो बनाना छोड़ देता तो आज शायद मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता और शायद मेरी कभी कोई वीडियो वायरल भी नहीं होती। लेकिन मैंने वहाँ पे डिस्करेज नहीं हुआ उनसे, उनके ओपिनियंस को मैंने फैक्ट नहीं समझा और वो मैंने उनका ओपिनियन जो है एक्सेप्ट नहीं किया। जो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो आपको डिस्करेज करते हैं कि यार तू नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, तू आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि जो वो लोग होते हैं वो या तो मीडियोकर होते हैं या एवरेज होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं। मान लो आपको सीए बनना है, अगर आप किसी सक्सेसफुल सीए के पास जाओगे तो वो आपको हमेशा यही बोलेगा, एनकरेज करेगा कि हाँ आप कर सकते हो और आपकी बात पे हंसेगा नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान सीए नहीं बन पाया, फेल हो गया, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो ये बोलेगा अबे सीए में कुछ नहीं रखा, बेकार है, इस लाइन में कुछ नहीं है, बेकार है, बहुत पढ़ना पड़ता है, फालतू है, छोड़ इसे। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपना एडवाइस लेनी चाहिए, उन लोगों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए और उनके उन लोगों के अगेंस्ट आपके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ये बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा तो आप ज़्यादा पक्का डिस्करेज हो जाओगे और वो काम पक्का नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करना, उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि उनका ओपिनियन आपके लिए डेडली साबित हो सकता है, वो पॉइजन का काम करेगा। जब भी आपको कोई ये बोले ना कि तू ये नहीं कर सकता, इस काम में कुछ नहीं रखा, तो एक्सेप्ट नेगेटिव एडवाइस। नेगेटिव एडवाइस क्या, कि तू नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, तो उस नेगेटिव एडवाइस को तभी एक्सेप्ट करना एज अ चैलेंज। एक्सेप्ट नेगेटिव एडवाइस ओनली एज अ चैलेंज, ये प्रूव करने के लिए दैट यस यू कैन डू इट। तो एक्सेप्ट नेगेटिव एडवाइस ओनली एज अ चैलेंज टू प्रूव दैट यू कैन डू इट। अगर आपको कोई बोले ना कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, तू अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती, तो उसको एक चैलेंज की तरह लो, ये प्रूव करने के लिए कि यस आई कैन डू इट। अब तो आपने मतलब अपनी पर्सनल ईगो पे ले लिया कि हाँ अब तो मैं इसको चैलेंज की तरह ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और अब तो मैं इसे पक्का यही काम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जो ये सामने वाला इंसान मेरे को ये बोल रहा है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे लेकिन इस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रूफ करने के लिए नहीं ये काम करना, आपको खुद से लगना चाहिए, आपके खुद के दिल में ये बात होनी चाहिए कि हाँ मुझे यही काम करना है और मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको प्रूफ करने के लिए आप वो काम कर रहे हो, नहीं, आपके दिल में पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं इस काम को पसंद करता हूँ, इस काम में मेरा दिल लगता है, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे मुझे पैसे भी कम मिले लेकिन इस काम को करने में मेरे को मज़ा आता है और मैं इस काम में आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग इस काम में चलता है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो और फिर आपको सामने वाला बोलता है कि तू काम नहीं कर सकता, फालतू का काम है, छोड़ दे, तब एक चैलेंज की तरह लो, ये प्रूफ करने के लिए कि आप तो पक्का ये काम करके ही दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया भाई तेरे से तो कोई काम होएगा नहीं, तू मेडिकल स्टूडेंट बन नहीं सकता, और वहां पे आपको मेडिकल स्टूडेंट बनना भी नहीं था, लेकिन अगर आपने उसको प्रूफ करने के लिए मेडिकल चूज कर ली तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। ऐसे की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर सामने वाला बोलता है ना कि आपको तू मेडिकल स्टूडेंट नहीं बन सकता, तू डॉक्टर नहीं बन सकता, तो वहाँ पे एडमिट कर लो कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं नहीं बन सकता, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कौन सी सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, जब आपकी गट फीलिंग, आप खुद वो काम करना चाहते हो फिर आपको कोई डिस्करेज कर रहा है, तब उसे चैलेंज की तरह लो कि हाँ अब तो मैं पक्का काम करके ही दिखाऊंगा, अब मैं इस काम में सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। लेकिन उस काम में नहीं जिस काम को आपको करने का मन भी नहीं है, बस आप सामने वाले को चैलेंज को बीट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए, उसे गलत प्रूफ करने के लिए वो काम कर रहे हो, तो वहाँ पे वो काम आपको नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप एडमिट कर लो कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद वो बोलेगा ही नहीं।
तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में 110% आएगी। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको डिस्करेज करें, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई नेबर्स, आपके कुछ रिलेटिव्स, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए और आप नेगेटिव एडवाइस तभी एक्सेप्ट करना ओनली एज अ चैलेंज टू प्रूव दैट यू कैन डू इट। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपना कीमती फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।